बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू द कुक विद तुरे। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सुपर क्रिस्पी मिक्स्ड वेजिटेबल पकौड़ा बनाना सिखाएंगे आपको। आज का दिन बहुत ही खूबसूरत बारिश और ठंड वाला दिन है, गर्मियों में ठंडक का एहसास हो रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा कि स्पेशल रमज़ान भी है तो क्यों ना आज क्रिस्पी ज़बरदस्त किस्म के ऐसे पकौड़े बनाएँ जो कि हर कोई घर में आसानी से बना ले। तो इसके साथ साथ हम होममेड पकोड़ा मिक्स भी आपको बनाना सिखाएंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पकोड़ा मिक्स की रेसिपी जो है उसको स्टार्ट करते हैं। पकोड़ा मिक्स जो है ये एक महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, एक से डेढ़ महीना आप डब्बा भर के रख सकते हैं। तो इसके लिए हमने लिया है आधा कप ज़ीरा, 25 से 30 जो हैं काली मिर्चें ली हैं, 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के, इनको हम हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ज़ीरा जो है ड्राई रोस्ट हो जाए तो इसकी खुशबू ही अलहदा हो जाती है, बहुत ही ज़बरदस्त और फ्लेवरफुल इसका ज़ायका हो जाता है। जिस भी चीज़ में डालें आप ये ज़ीरा, उससे बहुत ही अच्छा खुशबूदार ज़ायका उसका हो जाएगा। ज़ीरे को हल्का सा रोस्ट करेंगे तो उसके बाद इसको निकाल लेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है आपने, स्किप नहीं करना, क्योंकि ये पकौड़ा मिक्स और इसके साथ साथ ये मिक्स वेजिटेबल के जो पकोड़े मैं आपको बनाने सिखाऊंगी, इंशाल्लाह ताला आपके दोबारा भी इनको बनाएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त इंशाल्लाह आप लोग भी इसको एंजॉय करेंगे। चलिए ये हमारा ज़ीरा हो गया है तो इसको अब मैं निकाल लेती हूँ। और इसी पैन में मैं अब 1 कप सूखा धनिया डालूँगी, साबुत सूखा धनिया, इसको भी मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी। 1 से 2 मिनट मैंने ड्राई रोस्ट इसको किया है, अब इसको भी मैं निकाल लूँगी। सूखा धनिया भी बहुत खुशबूदार हो जाता है ड्राई रोस्ट होके, और ज़ीरा भी, दोनों को निकाल के तो एक साइड पे रख लेते हैं। अब आ जाते हैं इनके मेन इंग्रेडिएंट्स की तरफ। बेसन है मेरे पास तकरीबन 1 kg, और 1/2 kg हम इसमें मैदा शामिल करेंगे। अगर तो आप बाज़ार जैसे पकौड़ा मिक्स चाहते हैं तो फिर आपको मैदा लाजमी शामिल करना पड़ेगा, वरना आप 1/4 भी कर सकते हैं, नहीं 1 पाव 250 ग्राम आप मैदा ले सकते हैं अगर 1/2 kg नहीं डालना चाहते। तो 1 किलो बेसन के अंदर 1 कप जो है ये सूखा धनिया, 1/2 कप अनारदाना, अनारदाना भी जो है अच्छी तरह से खुश्क हो, ड्राई हो, और खुश्क धनिया 1 कप जितना जाएगा इसमें। ज़ीरा जाएगा तकरीबन 1/2 कप जितना, सुरख मिर्च जो है दादड़ मिर्च जिसे कहा जाता है ये भी 1/2 कप जाएगी, अजवाइन 1/4 कप जितनी जाएगी, और कसूरी मेथी भी 1/4 कप जितनी ऐड करेंगे इसमें। तो चलिए अब हम सबसे पहले मैदा शामिल करते हैं बेसन के अंदर, और इसके बाद इसमें कसूरी मेथी जो है 1/4 कप ऐड कर देंगे। कसूरी मेथी के साथ अब इसमें अजवाइन डाल देंगे 1/4 कप जितनी, और ये रेड चिली फ्लेक्स यानी कि सुरख दादड़ मिर्च, और अब इसके अंदर शामिल कर देंगे ज़ीरा। लेकिन पहले ये 3 चीज़ें जो हैं, अनारदाना, सूखा धनिया और ज़ीरा, इनको हल्का सा रफली ग्राइंड कर लेंगे। बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं बनाना आपने, दरदरा सा आपने इनका, यानी थोड़ा सा मोटा मोटा भी दाना रहे इनके अंदर, तो इन तीनों चीज़ों को ग्राइंड करके तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये देखें इस तरह से मैंने ग्राइंड कर लिया है सूखा धनिया, ज़ीरा और अनारदाने को, और सूखा धनिया जो है ये अलहदा से ये प्याले में नज़र आ रहा है आपको। इसको मैंने सिर्फ एक बार कुछ सेकंड के लिए मिक्सी में किया ताकि साबुत भी रहे और थोड़ा सा पाउडर में भी बन जाए। अब सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे। आप सोच रहे होंगे कि मिर्च जो है वो कम डाली है, तो मिर्च आप अपनी मर्ज़ी से इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि मैंने इसमें नमक शामिल नहीं किया, नमक जो है बाज़ दफ़ा ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स होते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से नमक कम या ज़्यादा जो है इसमें डाल सकते हैं। प्रॉपर एक ये पकौड़ा मिक्स आपका तैयार है, इससे आप बहुत तरह के पकौड़े जो हैं बना सकते हैं। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके एयर टाइट डब्बा भर के रख लीजिए। रमज़ान मुबारक में या आम रूटीन में भी अगर पकौड़े बनाने हों तो इंशाल्लाह ताला आप इनको बना कर रखेंगे। इसमें ड्राई रोस्ट किया हुआ सूखा धनिया और ज़ीरा है, जिसकी वजह से इसको फंगस नहीं लगेगी, इसमें कीड़ा नहीं पड़ेगा, तो 1 से 1.5 महीना तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। चलिए अब आ जाते हैं मेन रेसिपी की तरफ। तो ये हमारे पास बैंगन है 1 कप जितने,
दो दरमियाने साइज़ के बैंगन थे, दो दरमियाने साइज़ के प्याज हैं जिनको रफली चॉप किया हुआ है, और दो बड़े आलू हैं। एक एक कप का आप रेशो ले लीजिए कि एक कप बैंगन, एक कप प्याज और एक कप आलू। अब ये क्रश किया हुआ लहसुन है मेरे पास 1 टेबल स्पून, यानी 8 से 10 जवे छोटे वाले जो हैं लहसुन के, उनको रफली चॉप किया हुआ है। अब इसके अंदर मैं ये जो अभी मैंने पकौड़ा मिक्स बनाया है, ये 1 कप भर के मैं इसमें ऐड कर दूंगी। 1 कप जितना डालेंगे इसमें, ये पकौड़ा मिक्स जो है ये आपके बहुत ही काम आएगा। इसमें अगर आप मसाले अपनी मर्जी से ज़्यादा करना चाहें तो एक्स्ट्रा जो है वो बाद में डाल सकते हैं, लेकिन नॉर्मल आप इस तरह हल्के मसाले डाल के तो रख सकते हैं। अब मैं इसमें कुछ मसाले शामिल कर रही हूँ, जैसा कि 1 टेबल स्पून नमक और रेड पेपर अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून जितनी। आप इसकी जगह पे हरी मिर्चें भी बारीक कूट के या बारीक बारीक काट के डाल सकते हैं अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं। बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे, इससे बहुत ही क्रिस्पी और फूले हुए हमारे पकौड़े तैयार होंगे। और अब ये मेरे पास भुना हुआ कुटा हुआ जीरा है जो मैंने इसमें 1 टेबल स्पून ऐड किया है। अजवाइन डालेंगे इसमें 1 टीस्पून। ये तमाम मसाले दोबारा से इसमें इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि इसमें हमने सब्जियां ऐड की हैं। अब ये थोड़ा सा साबुत धनिया जो है इसको हल्का सा दरदरा सा मैंने इस तरह हाथ हावन दस्ते में पीसा है, तो ये भी इसमें बहुत ही खुशबू में इजाफा करेगा, इसका फ्लेवर को बढ़ा देगा। और अब तकरीबन आधा कप पानी इसमें जाएगा, लेकिन आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा डालिएगा। अगर तो आपने सब्जियां फ्रेश धो के डाली हैं इसमें तो फिर आप बहुत रोक रोक के पानी डालिएगा, और दबा के अच्छी तरह से आपने सारा अमेजा जो है इसमें लगा देना है। ये एक दफ़ा जब अच्छी तरह से कोट हो जाएगा तो फिर अब इसमें हम मैदा शामिल करेंगे आधा कप जितना। मैदा अगर आपके पास नहीं है, चावल का आटा है तो आप चावल का आटा ऐड कर सकते हैं, या चावल का आटा भी नहीं है तो आम घर का जो आटा होता है, गंदम का आटा, चक्की का आटा, आप वो भी डाल सकते हैं। अब अच्छी तरह से ये देखें, ये अब इसकी ग्रिप जो है प्रॉपर एक शेप ले रही है। अच्छी तरह से जब मैंने इनको तमाम मसालों को मिक्स किया तो ये प्रॉपर एक शेप ले रही। अब इसके अंदर लास्ट इंग्रेडिएंट जो है वो शामिल किया जाएगा, हल्दी का। हल्दी जो है वो मैंने शुरू में नहीं डाली, शुरू में डालने से हल्का सा ये पानी छोड़ देगी सब्जी आपकी, तो एंड में डालने के साथ ही आपने फ़ौरन से इनको फ्राई कर लेना है। तो 1/2 टीस्पून जितनी तकरीबन इसमें हल्दी शामिल करके तो अच्छी तरह से अब इसको मिक्स कर देंगे। अब आपने इनको बिल्कुल भी रखना नहीं है, आपने साथ ही ऑयल जो है वो गर्म होने के लिए रख देना है। हम इनको डीप फ्राई करेंगे अच्छी तरह, मसल मसल के हल्दी भी इसमें शामिल कर दें, और तमाम अमेज़ा ये देखें यकजा हो गया है। तो अब हम इनके पकोड़े बनाते हैं। अब ऑयल हमारा मीडियम फ्लेम पे गरम हो चुका है, तो अब इसमें हाथ की मदद से मैं इसमें पकोड़े जो हैं बना रही हूँ। आप चम्मच की मदद से या हाथ की मदद से जैसे भी आप डालना चाहें इसमें, जितना आपका पैन है फ्राई पैन में उसमें उतनी क्वांटिटी में डालिए ताकि खिले खिले रहें आपके, ये जुड़े ना आपस में। बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची ये वेजिटेबल पकौड़े आपके बनेंगे, ना सिर्फ रमज़ान मुबारक में बल्कि इवनिंग स्नैक्स में। कभी शाम को चाय के साथ आपका दिल करता है कुछ खाने को तो झटपट आप कोई भी सब्जियां हैं आपके पास, बंद गोभी है या हरा प्याज है, आप वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। जैसे वेज टेम्पूरा बनता है सेम उसी तरह आप इनको भी फिंगर्स में काट के तो टेम्पूरा स्टाइल में पकौड़े बना सकते हैं। वेज टेम्पूरा भी मैं इंशाल्लाह जल्दी आपको चाइनीज स्टाइल में बनाना सिखाऊंगी। तो अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिल जाएं। और वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा ताकि मुझे हौसला अफज़ाई रहे, और इंशाल्लाह मैं मज़ीद अच्छी से अच्छी आपके लिए रेसिपीज़ जो हैं वो लेके आती रहूँ। मेन जो है मुझे इस बात का है कि हमारी बिगनर्स जो बच्चियाँ हैं उनको मैं आसान तरीके से कुकिंग सिखाऊँ, जिसमें मेरी अपनी बेटी भी शामिल है जो कि अभी मैट्रिक के एग्ज़ाम्स के बाद फारग है, तो मैं चाह रही हूँ कि वो भी मेरे साथ कुकिंग सीखे। तो इसलिए मैं बहुत आसान तरीके से कुकिंग जो है आप लोगों को सिखा रही हूँ ताकि बच्चियाँ जो हैं हमारी वो भी स्पेशली इसको एंजॉय करें और सेफ़ तरीके से
आसान तरीके से अपने लिए या घर वालों के लिए कुछ भी बनाना चाहें तो उनको प्रॉब्लम ना हो। अब ये हमारे बहुत ही क्रिस्पी हो गए हैं, पकोड़े बिल्कुल रेडी हो गए हैं, क्रंची। 3 से 4 मिनट में प्रॉपर आपके ये पकोड़े तैयार हो जाएंगे। और अच्छी तरह से ऑयल आपने इनका पहले थोड़ी देर इस तरह रखना है आपने छलनी के अंदर, ताकि इनका जितना भी फालतू तेल है वो निकल जाए। इसके बाद आप किचन टॉवल पे या टिश्यू पेपर पे इनको निकाल दीजिएगा। बाहर बहुत ज़बरदस्त मौसम है, ठंडी हवा है और इफ्तार का भी टाइम हो चुका है और बारिश हो रही है और मौसम भी बहुत ज़बरदस्त है। तो ये देखिए हमारे क्रिस्पी और क्रंची बेहतरीन वेजिटेबल्स, ऑनियन वेजिटेबल पकौड़ा तैयार हैं। इनके साथ ये मैंने धनिया पुदीने की चटनी और इमली खजूर की चटनी रखी है। ये देखें मैं सेहन में लेके आई हूँ बाहर खुली जगह पे, ताकि आपको इसका कलर जो है वो पता चल सके, कितने खूबसूरत सुनहरी हमारे ये पकौड़े तैयार हुए हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।